बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग सलमा में आज हम बनाने लगे हैं चिकन बंद गोभी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 1.5 किलो बंद गोभी लिए मैंने, 3 पाव चिकन लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए, 1/2 कटोरी तेल, 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ, नमक हसबे जायका, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक पैन, इसमें मैं ये तेल डालूंगी, को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। इसमें मैं ये प्याज डालूंगी, इसको लाइट ब्राउन करूंगी। बहुत ही मुनफरिद सी डिश है ये चिकन बंद गोभी। प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, इसमें जीरा डाल दूंगी और अब ये टमाटर डाल दूंगी। मैं गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। इसको मजीद मैं 3 मिनट तक पकाऊंगी और ये नमक डाल दूंगी इसके अंदर में। ये थोड़ा सा चिपकेगा, इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं 3 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने 3 मिनट तक पका लिया, मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी और फिर इसको मैं मजीद थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट तक कवर करके रखूंगी ताकि हमारा चिकन गल जाए। थोड़ा सा मिक्स करूंगी 1-2 मिनट के लिए, मसाले में मैश हो जाइए। दो मिनट तक मैंने इसको पका लिया, ये मैश हो गया, अब इसमें मैं कवर करके रख दूंगी। मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया और अब इसको मैं कवर करके रखूंगी ताकि चिकन गल जाए। मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के लिए मैंने पानी डाल के रखा था, तकरीबन ये हो चुका है। इसको मैंने गोश उतारने के लिए थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, इसको बिल्कुल मैं सुखा दूंगी। इसको अच्छी तरह पका लूंगी ताकि ये पानी सूख जाए। ये पानी इसमें से खुश्क हो गया और अच्छी तरह ये पक भी गई है और चिकन भी गल चुका है। ये चिकन गल गया और इसमें बंद गोभी डालूंगी। ये बंद गोभी मैंने सारी इसमें डाल दी है और अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी और फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। ये दम पे ही हमारी बंद गोभी रेडी हो जाएगी। मिक्स कर लूंगी मैं, ये मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी कवर करके। ये मैंने इसको कवर कर दिया और ये मैंने फ्लेम कर दी मीडियम और इसको मैंने दम पे लगा दिया 10 मिनट के लिए। ये इसी में रेडी होगी।
मीडियम फ्लेम पे मैंने बंद गोभी चिकन 10 मिनट के लिए रख दिया था पकने के लिए। और ये हमारा रेडी हो चुका है। बहुत सिंपल सी और आसान सी और एक नई सी डिश है ये। अब मैं फ्लेम करूंगी बंद और उसको करूंगी डिश आउट। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी काट के, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी इसके ऊपर। मज़ेदार सा चिकन बंद गोभी हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें और कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको कोई और डिश सीखनी है तो वो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए वो भी लाऊं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।